आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से CSS पर हम एक सिंपल सा नेविगेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्लोज फोल्डर कर दिया मैंने यहाँ से, और फाइल में जाके यहाँ से ओपन फोल्डर कर लिया, और ओपन फोल्डर करके यहाँ से मैंने अपना फोल्डर जो है डिफाइन कर दिया। यहाँ पे जाके मैंने इसके अंदर CSS के फोल्डर के अंदर क्लिक कर दिया और यहाँ से एक फोल्डर ले लिया जिसका नाम है फायरवॉल नॉइस, और उस फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो भी फाइल्स ओपन थी कंट्रोल W के साथ मैंने क्लोज कर दी, कंट्रोल N करके मैंने कंट्रोल S किया तो मेरी फाइल सेव हो गई, और उसका नाम मैंने रखा navigation.html। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा नेविगेशन क्रिएट हो गया। फाइल शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाया, जो भी इसका बेसिक कोड था वो मैंने यहाँ से ले लिया, क्रिएटिंग सिंपल लिंक्स नेविगेशन। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमने पहले HTML का कोड कर लेना है। वो HTML का कोड तो इतना मुश्किल नहीं, आसान है। सबसे पहले हमने एक नेव का एलिमेंट यूज़ किया जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसके अंदर UL अनऑर्डर लिस्ट का एक कंपोनेंट यूज़ किया, उसके बाद लिस्ट आइटम को ऐड कराया, उसके बाद इसके अंदर एक एंकर को ऐड कराया, और एंकर को ऐड करा के यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट लिखना था वो यहाँ पे लिख दिया। एंकर को फिलहाल मैंने डिसेबल कर दिया, यहाँ से डिसेबल हो गया। अब जितने मेन्यूज मुझे ऐड कराने हैं यहाँ पे उसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा या एंटर करूँगा, और उतने मेन्यूज यहाँ पे हम ऐड करा देंगे। ठीक है ना, ऑफिस में बिठा देना। ठीक है, यहाँ से क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हम क्लिक करके अबाउट पे क्लिक करेंगे। अबाउट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने ये आ जाएगा ऑप्शन बना हुआ, और यहाँ से हम सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेंगे कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन ले लेंगे, और ये हमारे सामने इस तरीके से ऐड हो जाएगा। उसके बाद जब ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे तो अब हम इसको देखेंगे ब्राउज़र पे कैसा नज़र आएगा। तो यहाँ से F5 का बटन दबाते हैं, वेब ऐप क्रोम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये हमारे सामने इस तरह से नज़र आने लग जाएंगे। अब हम चलते हैं CSS की तरफ के CSS में हम इसका कोड कैसे करेंगे। यहाँ से कंट्रोल एन करेंगे, न्यू फाइल लेंगे, सेव करेंगे, उसी फोल्डर में सेव कर रहे हैं navstyle.css के नाम से। तो ये हमारी एक CSS की फाइल सेव हो गई। अब इस फाइल को इधर लिंक करना है तो कैसे लिंक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हेड सेक्शंस पे आएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, कोड यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखेंगे जो भी हमने क्रिएट की है, उसका नाम यहाँ दिखाई देगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो इसके साथ लिंक हो जाएगा। लिंक जब हो जाएगा तो जैसा लिखा है वैसा ही लिंक होना चाहिए, कैपिटल में लिखा था तो यहाँ कैपिटल भी होना चाहिए, अगर स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में होना चाहिए। अब जब लिंक हो जाएगा तो अब हम काम शुरू करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम सबसे पहले आके पहले एक बॉडी को एज अ सिलेक्टर के तौर पर डिफाइन करेंगे, फिर नीचे आके हम नेव को एज अ सिलेक्टर के तौर पर डिफाइन करेंगे, फिर नीचे आके यूएल को एज अ सिलेक्टर के तौर पर डिफाइन करेंगे, फिर लिस्ट आइटम को एज अ सिलेक्टर के तौर पर डिफाइन करेंगे, लिस्ट आइटम के अंदर जो एंकर है उसको एज अ सिलेक्टर के तौर पर डिफाइन करेंगे, लिस्ट आइटम को होवर किस तरह से किया जाए उसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे, लिस्ट आइटम के साथ एंकर है एंकर को होवर कैसे करना है उसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप करने के बाद इसमें प्रोग्रामिंग कोड करेंगे। सबसे पहले बॉडी पे जाके हमने मार्जिन को कर दिया यहाँ पे 0 पिक्सल, तो ये मार्जिन 0 पिक्सल हो गया। ठीक है ना, और मार्जिन 0 पिक्सल करने के बाद यहाँ पर आपने और भी कोई इम्प्रेशन बॉडी पे नहीं दिया। ठीक है, और इसके बाद नेविगेशन पे हमने क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके हमने बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगाई, और यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड कलर हमने नेविगेशन को दे दिया, जैसे कि हमने ये कलर दे दिया, या हम ग्रे कलर का बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम ग्रे कलर भी दे सकते हैं, यहाँ पे हमें ग्रे कलर भी मिल जाएगा, ये ग्रे कलर दे दिया, सेमीकॉलन लगा दिया। उसके बाद इसकी विड्थ को हमने 100% करके सेव कर दिया। उसके बाद हाइट हमने डिफाइन नहीं करी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नेविगेशन जो है ग्रे कलर का इस तरह से बन जाएगा। अब ग्रे बनाएं, ब्लैक बनाएं, व्हाइट बनाए, वो जैसा बनाएंगे आप कोई मसला नहीं है, किसी कलर में बना सकते हैं। उसके बाद यूएल में फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर लिस्ट आइटम में हम एक और प्रॉपर्टी का इजाफा करेंगे। सबसे पहले देखें हम ये जो डॉट आप नज़र आ रहे हैं इसके साथ बुलेट्स के साइन, इसको कैसे रिमूव करेंगे। यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लिस्ट डैश स्टाइल, और उसके ऊपर उसकी बताएंगे स्टाइल को नन कर देंगे। जैसे ही नन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये डॉट देखें यहाँ से रिमूव हो गए। उसके बाद इनको आइटम्स को जो एक के नीचे एक लिस्ट आइटम आ रहे हैं इनको सीधा कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप डिस्प्ले करेंगे और डिस्प्ले में जाके इसको करेंगे इनलाइन। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक इनलाइन करेंगे तो भी ये सीधे हो जाएंगे,
और इनलाइन ब्लॉक करेंगे, इनलाइन डैश ब्लॉक का भी ऑप्शन है इसके अंदर, तो भी ये सीधे हो जाएंगे। फर्क ये होगा कि इनलाइन ब्लॉक करने से इनके दरमियान में एक एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, और इनलाइन करने से ये पूरा मिलके एक ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, तो वो देख ले जिस तरह से मुझे ब्लॉक वाला सही लग रहा है, तो मैंने इनलाइन डैश ब्लॉक वैल्यू रख दी इसकी। उसके बाद इनको हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम पेडिंग का इस्तेमाल सीख रहे हैं। देखिए पेडिंग क्या होती है, पेडिंग हमारे पास चार किस्म की, एक पेडिंग डैश टॉप है, ठीक है, और मैं अभी सबको 0 पिक्सल करता जा रहा हूँ, पेडिंग डैश बॉटम है उसको भी मैं 0 पिक्सल करता जा रहा हूँ, पेडिंग डैश लेफ्ट है उसको भी मैं 0 पिक्सल करता जा रहा हूँ, पैडिंग डैश राइट है उसको भी मैं 0 पिक्सल करता जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो अभी सबकी पैडिंग्स को मैंने 0 कर दिया है। अब आती है बात कि इसके ऊपर के यहाँ पर ये पैडिंग्स हम इस पर अप्लाई कैसे करें। देखें पैडिंग क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ लें, जैसे सपोज करें कि ये एक ब्लॉक है और ये इसके बीच में हमने लिख दिया टेक्स्ट, तो पैडिंग क्या है, इस टेक्स्ट का और इस ब्लॉक का जो बॉर्डर है इनके दरमियानी गैप को हम कहते हैं ये वाला गैप बॉटम पैडिंग, ये वाला गैप राइट पैडिंग, ये वाला गैप टॉप पैडिंग, ये वाला गैप लेफ्ट पैडिंग, तो ये पैडिंग कहलाती है। अब हमारे कितने ब्लॉक बने, एक इसका ब्लॉक बना, एक इसका बना, एक इसका बना, इसका बना। अब सबके ब्लॉक की पैडिंग हम कैसे सेट कर सकते हैं, देखिए चूंकि लिस्ट आइटम में पेडिंग हम सेट कर रहे हैं और इनको ब्लॉक बना रखा है, तो सारे ब्लॉक की पेडिंग ऐसे सेट करेंगे। टॉप से कितना हमें गैप चाहिए, हमने कहा 10 पिक्सल, और तो देखिए 10 पिक्सल आपको ब्लॉक में ऊपर से मिल गया, और नीचे कितना चाहिए आपने सपोज कहा 10 पिक्सल, तो बॉटम में भी आपको 10 पिक्सल मिल गया। ठीक है, लेफ्ट और राइट में कितना ब्लॉक से कोड चाहिए, तो 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, तो चारों तरफ से आपको 10 10 पिक्सल मिल गया। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, सपोज तो इसको 15 पिक्सल कर देते हैं और ये भी 15 पिक्सल कर देते हैं, तो ये दोनों साइड से आपको 15 15 पिक्सल का ब्लॉक मिल गया। अब बोलेंगे सर ब्लॉक तो है नहीं, ये तो इसके अंदर ही होता जा रहा है, तो ब्लॉक को जाहिर करने के लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जिससे ब्लॉक जाहिर हो जाएगा। तो मैं यहाँ बॉर्डर प्रॉपर्टी जो लास्ट टाइम सीखी थी 2 पिक्सल सॉलिड और वाइट कलर का बॉर्डर लगा रहा हूँ, तो अब आपको नजर आ जाएगा ब्लॉक, नजर आ गए ब्लॉक। अब ब्लॉक की पैडिंग ये देखें, लेफ्ट और राइट की पैडिंग ये है, टॉप एंड बॉटम की पैडिंग ये है। अब मैं लेफ्ट एंड राइट की पैडिंग को और बढ़ाता हूँ, सपोज 25 25 पिक्सल कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप कितना गैप आ जाएगा इनके अंदर लेफ्ट और राइट, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप पैडिंग से अपने ब्लॉक्स को कवर कर सकते हैं कि कितना स्पेस हो रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये तो मैंने समझने के लिए लगाया था, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि भाई ये जो टेक्स्ट है इसका कलर कैसे चेंज होगा, क्योंकि ये एंकर्स हैं, लिंक्स हैं, तो इनका कलर चेंज करने के लिए आपको एंकर में जाके कोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने कोड कर दिया इसको वाइट। तो जैसे ही वाइट किया तो ये देखें वाइट के ऊपर इस तरह से नजर आने लग गए। अब हर एंकर के साथ ये अंडर स्कोर का साइन भी आता है, इसको कैसे रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करने की एक प्रॉपर्टी है जो एंकर में ही लिखेंगे लिस्ट के टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसकी वैल्यू को पास कर देंगे नन। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखें वो भी खत्म हो गया। इस पर से फॉन्ट को चेंज करना है इसके, तो यहाँ पे जाके आप लिखेंगे फॉन्ट डैश फैमिली, और उसमें कोई अच्छी सी फॉन्ट की फैमिली को आप अप्लाई कर देंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे। फिर अगर आपने इसके अंदर स्पेसिंग देनी है तो लेटर डैश स्पेसिंग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और इसमें 2 पिक्सल की मैंने वैल्यू दे दी, ये देखें 2 पिक्सल का गैप आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड नजर आना चाहिए, फॉन्ट डैश वेट की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इस पर बोल्डर को बोल्डर इसको रिफ्रेश कर देंगे, तो ये देखें इस तरह से नजर आएंगे। अगर बोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से नजर आएंगे। ठीक है, तो ये देखें आपको इस तरीके से नजर आएंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पे जाके नेक्स्ट जो है फॉन्ट डैश फोल्डर और इस पर करने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये तो एक अच्छा सा बन गया, अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा सेंटर राइट पे नजर आए, तो हम क्या करेंगे नेव वाले एलिमेंट में जाके यहाँ एक प्रॉपर्टी लिखेंगे टेक्स्ट डैश अलाइन, और यहाँ पे लिखेंगे राइट। तो जैसे ही राइट वैल्यू पास करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ लिखेंगे सेंटर, तो आप जैसे रिफ्रेश करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब गेप आपने अपने हिसाब से रख रखा है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लिस्ट एंकर के अंदर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फॉन्ट डैश साइज, और उसमें आप अपने फॉन्ट का साइज अपने हिसाब से बढ़ा दीजिए जितना आप इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं।
तो उतना बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। इसी तरीके से जब आपके ये क्रिएट होगा लिंक्स, अब हम ये चाह रहे हैं कि जब मैं इसके ऊपर एरो लेके जाऊं तो ये अपने कलर्स को चेंज करे, तो कलर एक होगा ब्लॉक का चेंज, एक होगा लिंक का चेंज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ब्लॉक का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम जो इस पर बेहतर लगेगी, तो हम यहाँ पे इस पर ले लेते हैं क्रॉसिंग। जैसे ही क्लिक करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए क्रॉसिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। लेकिन मसला ये होगा कि क्रॉसिंग के साथ फॉन्ट का कलर भी चेंज होना है और वो एंकर पे लगा हुआ है, तो क्रॉसिंग की जगह पे हम थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर ले लेते हैं, जैसे इस तरह का कलर जो सिर्फ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट डाले कि हाँ चेंज हुआ है। ये देखिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ साथ हम चाह रहे हैं कि लिंक्स का कलर भी चेंज हो जाए, तो लिंक्स का कलर चेंज करने के लिए हम लिस्ट आइटम के अंदर जो एंकर है उसमें फॉन्ट का कलर यहाँ से हम चेंज करेंगे, और उसका कलर चेंज करके हम सपोज टू बी ग्रे कलर उस पर हम डाल देते हैं, ठीक है, और रिफ्रेश कर देते हैं। और रिफ्रेश करने पे यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिंक का कलर चेंज हो गया, ये देखिए इस तरीके से। और लिंक्स के कलर चेंज करने के लिए जैसे एरोस पे जाएगा तो ये देखिए लिंक्स के कलर चेंज हो रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरह से बड़ा खूबसूरत सा आपका एक नेविगेशन इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप, एरोस भी जा रहे हैं तो वो चेंज करता जा रहा है। अगर आपको कोई मेन्यू और बढ़ाना है इसके अंदर तो अब आपको पूरा काम तो यहाँ सेट हो चुका है। दोबारा से HTML के पेज में जाएंगे, जो भी आपने मेन्यूज बढ़ाने हैं वो यहाँ पे क्लिक करके आप एंटर करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, सपोज टू बी तो देखिए मेन्यूज इसमें इस तरह से ऐड होते चले जाएंगे, और उस पर रख के देखें कलर्स भी अपने मर्जी के चेंज करेंगे जैसा आप रखना चाहें। फॉन्ट को अभी भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, इनको लेफ्ट राइट सेंटर जैसा चाहें आप कर सकते हैं, इनकी पेडिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पेडिंग कंट्रोल करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि चार तरीके से पेडिंग को आप लिख रहे होते हैं, तो जो भी तरीके से आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रख के सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये पेडिंग आपकी यहाँ पे चेंज होती चली जाएगी, ठीक है ना। इवन फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉन्ट्स के फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। कलर जो चाहे आप इस पर लगा सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर आपने इसको ग्रे कलर में बनाया है, इसको आप वाइट कलर में बना लें, इसको आप ये येलो कलर में बना रहे हैं, इसको ग्रीन कलर में बना रहे हैं, तो मुख्तलिफ कलर्स में बना सकते हैं, जितने मेन्यूज चाहे आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसी नेविगेशन को जो हमने लास्ट टाइम आपको बनाना बताया था वेब लेआउट, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर वेब लेआउट भी बनाए थे लास्ट टाइम, तो यहाँ पे हम फाइल इन एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो ये वाला वेब लेआउट बनाया था हमने सिंपल सा इसके ऊपर वेब लेआउट, ठीक है ना। तो ये नेविगेशन हम यहाँ पर भी सेटल डाउन कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे सेटल डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है, आपने सिर्फ क्या करना है कि ये वेब लेआउट 2 की फाइल को यहाँ पे खोलना है, फोल्डर कौन सा है, फायरवॉल नॉइस, और यहाँ पे कौन सा डिफाइन हुआ है, वही है सेकंड वेब लेआउट की फाइल को यहाँ पे ओपन कर लिया आपने। यहाँ पर देखिए आपने नेविगेशन लिखा हुआ है क्योंकि सिर्फ सिंपल टेक्स्ट है, यहाँ पर जाएंगे आप, ये पूरा नेविगेशन आप अपना पूरा यहाँ से क्या करेंगे कॉपी करेंगे, ये हो गया आपका कंट्रोल सी करके कॉपी, और उसको आप लाके यहाँ पे से इसको डिलीट करेंगे और वहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने पे आप देखेंगे आपके लेआउट पे ये कुछ इसी तरह से नज़र आने लग जाएगा। अब रह गया इसका CSS का कोड, हम यूँ भी कर सकते हैं कि दो CSS फाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, भाई इसकी CSS का कोड तो इसमें है ना, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इस फाइल को दोबारा से कनेक्ट कर दें लिंक, और यहाँ पर जाके ये आ गया आपका न्यू स्टाइल इस तरह से CSS, और रिफ्रेश कर दे, आई समझ में बात। तो अलग अलग CSS हैं वो एक वेब पेज में कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, देखिए अब इस तरह से नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक गेप आ गया कुछ, तो उसमें हमें अपने नेव स्टाइल में CSS में जाके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या गेप आया। इसमें भी ऑलरेडी बॉडी का मार्जिन 0 कर रखा है, तो दो दफा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर भी यहाँ पर हम जाके लिखते हैं मार्जिन और 0 पिक्सल करते हैं, तो यहाँ पे कुछ देखते हैं इसमें कोई फर्क पड़ रहा है, गेप आना नहीं चाहिए था,
तो हम उसमें देखते हैं सेकंड वेब लेआउट का एक और सीएसएस फाइल कनेक्टेड है इसके साथ, और वो फाइल कौन सी है, माई थीम वाली। तो माई थीम डॉट सीएसएस में जाते हैं और यहाँ पर देखें बॉडी का अभी भी 0 पिक्सल हुआ हुआ है, यहाँ पे हेडर सेक्शन 400 पिक्सल हुआ हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने मार्जिन को 0 पिक्सल किया यूएल वाले सेक्शन में आके, तो आपने देखा कि ये बिल्कुल इसके साथ स्टिक हो गया। हाँ, अगर हमें यहाँ पर कुछ गेप चाहिए तो फिर हमें यहाँ पे अगर ऊपर से जैसे दिखाना है कि भाई इसमें थोड़ा सा गेप है, तो मार्जिन डैश टॉप प्रॉपर्टी यूज़ करके जितना परसेंट हमें गेप चाहिए, जैसे 20 पिक्सल का चाहिए तो वो लिख के यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो उतना गैप हमें मिल जाएगा, और अगर अगर नहीं चाहिए इसमें गैप तो फिर आप उसको 0 पिक्सल कर देंगे और उसका रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको नजर आएगा। तो देखिए वही वाला मेन्यू वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ पैडिंग में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है कि इसके अंदर ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से टच हो रहा है, नीचे वाला भी थोड़ा अलग से जाहिर हो रहा है। तो इसके अंदर ये भी लग के देखें आप मार्जिन डैश बॉटम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 0 पिक्सल। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग का असर आ रहा है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जो असर आ रहा है, तो यहाँ से जाके आप पैडिंग डैश बॉटम को जहाँ पर आपने इसको कितना कह रहा 10 के रखा है, तो थोड़ा सा बढ़ा दें इसको 12-14 पिक्सल करके देखें, काफ़ी कवर हो गया। और भी कवर करना है इसको तो 15 पिक्सल कर दें, काफ़ी हद तक कवर हो चुका है मेरा ख्याल है। और ज़्यादा कवर करना है तो इसको, अच्छा ऐसा भी ना करें दोनों में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दें, जैसे कि इसको आप कर दें यहाँ से 12 और टॉप और बॉटम का दोनों का जो, हालांकि टॉप का तो मामला सेट है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो 10 पे भी सही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 16 पिक्सल हम कर देते हैं इसको, ठीक है, रिफ्रेश देख रहे हैं। इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पर कोई इमेज वगैरह आपको लगाना है, एडजस्ट करना है लोगों के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि जैसे नेविगेशन में जाके हमने ये पूरा ऐड कराया हुआ है, ऐसे एक और ऐड करा लें, या फिर उसके लिए एक अलग से यहाँ पे एक डिव बना के ऐड करा लें। अगर जैसे आप इसके अंदर ऐड कराते हैं तो ये देखिए लिस्ट आइटम ऐड कराएंगे, फिर एंकर ऐड कराएंगे, फिर यहाँ पे जाके अब उसका जो लोगो लगाना चाहेंगे आप, जैसे यहाँ पे इसको यहाँ पे हम डिसेबल कर देते हैं और यहाँ पे IMG का टैग लगाएंगे SRC में। अब हमारे पास कुछ इमेजेस होने चाहिए यहाँ पे सोर्स में, तो हम देखते हैं कि हमारे फोल्डर में कुछ इमेजेस हैं या नहीं है। तो यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं है हमारे पास, तो कोई भी एक इमेज जो आप यहाँ लगाना चाह रहे हैं वो इमेज आपके पास होना चाहिए, और उसको ले जाके यहाँ से जैसे कि हम ये वाला एक इमेज लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये इमेज है, इसको कॉपी किया हमने, ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और उस फोल्डर में ले जाके इसको पेस्ट कर दिया, और इसका नाम मैंने लिख दिया ब्रांड IMG.png, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद अब यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद हमने लिखा ब्रांड IMG.png। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आके, अच्छा तो अब देखना ये है, ये हमने ऐड किया नेविगेशन वाले पेज में, सही है, जबकि ये हमें ऐड करना था सेकंड वेब लेआउट वाले में, नेविगेशन वाले में, इसलिए इसका इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं आ रहा था, अब आएगा इसका इम्पैक्ट। ये देखिए इमेज इसके ऊपर आया तो सही, लेकिन ये इतना बड़ा आया, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर ये होवरिंग वगैरह इफेक्ट भी इसके ऊपर आ गया क्योंकि इमेज बहुत बड़ा था। या तो अब हम क्या करें, फोटोशॉप में इसको छोटा करके लेकर आए, अगर हम ये नहीं कर रहे तो फिर हमें यहाँ पर CSS का कोड करके इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको छोटा करके इसके साथ नहीं करना चाह रहे हम कि ये लिंक के साथ नहीं आए, लिस्ट आइटम के साथ ना आए, तो फिर हम क्या करते हैं इसको इसके ऊपर UL के बराबर में हम क्या करते हैं यहाँ पर एक डिव बना देते हैं। अब जब डिव यहाँ बनाओगे तो फिर देखो एक एक मसला और आएगा इसके अंदर, और जब तुम इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखोगे तो ये एंकर तो चलो ठीक है, और ये इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर ये फिर तुम्हारे जो मेन्यूज हैं वो कहाँ चले गए, वो पता नहीं कहाँ चले गए, इमेज बहुत बड़ा है, इमेज बहुत बड़ा है, तो इमेज को छोटा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक डिव के लिए हम क्या करेंगे,
आप यहाँ पे एक आईडी बना लें, ठीक है, और उसमें लिख दें सपोज ब्रांड लोगो, ब्रांड लोगो के नाम से एक आपने आईडी बना ली, इसको कॉपी किया और इसको अपनी थी सीएसएस की फाइल के अंदर, अब इसमें दोनों फाइल कनेक्टेड है, माई थीम्स में चले जाते हैं, यहाँ पर हम जाके नेविगेशन के इधर ही क्लिक करके यहाँ पर एक आईडी बना के और यहाँ पे सारा लिख देते हैं, और यहाँ पर उस आईडी का नाम लिख देते हैं ब्रांड लोगो। अब ब्रांड लोगो की आईडी लिख दी यहाँ पे, तो इसकी विड्थ हम यहाँ पे बता रहे हैं सपोज टू बी ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 पिक्सल के अंदर आएगा, तो यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने तो कोई फ़र्क उसके ऊपर नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, ये जो आईडी बनाई है इसकी विड्थ हमने बताई है 100 पिक्सल, तो यहाँ पर जाके माई थीम्स में जाके चेक करते हैं और वेब लेआउट पे देखते हैं, तो यहाँ पर डिव में आईडी तो लगाई है, तो आईडी को यहाँ से कॉपी करके आईएमजी के ऊपर ये आईडी लगाते हैं, तो जैसे ही आईडी के ऊपर ये आईडी लगाते हैं तो यहाँ पे इम्पैक्ट देते हैं, तो देखें ये छोटा हो गया, अब छोटा तो हुआ लेकिन वो नीचे चला गया इसके, ठीक है ना, अब ये ऊपर कैसे है का बता रहे हैं। अच्छा, 100 पिक्सल से भी अगर कम करना है तो यहाँ पर से आप इसको कम करके कर सकते हैं, 80 पिक्सल कर दें, एडजस्ट हो गया उसके अंदर ये, लेकिन ये साथ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके साथ डिस्प्ले और इन लाइन कर देंगे जैसे ही इसको, तो यहाँ पर आगे रिफ्रेश करेंगे तो अब ये भी सेंटर में आ गया और ये फिर भी नीचे ही है। अच्छा, अब ऐसा करने के लिए फिर हमें दोनों को करना क्या पड़ेगा, इन लाइन ना करें, इनका जो मेन कंटेनर है, ये वाला जो मेन कंटेनर है जिसके अंदर ये दोनों आ रहे हैं, उसमें इसको आप करें मेन कंटेनर में जाके नेव को, ये आ रहा है यहाँ पे नेव का कोड, हालांकि अब नेव का कोड एक यहाँ पर भी हो रहा है जो हमारे इस्तेमाल का नहीं है, क्योंकि अब हम ये वाला तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हमने दूसरी फाइल को कनेक्ट किया हुआ नेव में यहाँ पर, तो यहाँ नेव स्टाइल्स को कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे जाके इसको कर दें डिस्प्ले और इसको कर दें फ्लैक्स, जैसे ही फ्लैक्स करेंगे तो यहाँ रिफ्रेश करने पे ये देखिए सारे साथ आ जाएंगे, ठीक है, और जब ये साथ आ जाएंगे तो आप इसको ये भी कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर कर दें, तो जैसे ही सेंटर करेंगे तो ये सारे का सारा सेंटर में आ जाएगा, लेकिन जब सेंटर करेंगे तो फिर ये भी सेंटर आ जाएगा, तो मेरा मशवरा यहाँ पे ये है कि इसको सेंटर ना करें, क्योंकि अगर सेंटर करेंगे तो फिर ये भी इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे ही अच्छा लग रहा है, तो इसको सेंटर ना करें, बल्कि एक काम ये कर सकते हैं कि इसको ऊपर और नीचे से कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स में जाके सेंटर कर देते हैं, तो ये टॉप एंड बॉटम से ये सेंटर में आया, लेकिन ये ऊपर से नीचे नहीं आया, तो ये ऊपर से नीचे नहीं आया तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी जो एक प्रॉपर्टी है वो आपने, अच्छा देखिए अब ये कोड हमारा इधर उधर दो जगह पे चल रहा है, तो इसका आसान तरीका ये है कि देखें हमने क्या किया, ये नेविगेशन वाला कोड पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया हमने इसको यहाँ से, और ये माई थीम के अंदर ले जाके जहाँ पे नेविगेशन का कोड था वहाँ पे हमने नीचे की तरफ ले जाके इसको पेस्ट कर दिया, ये आसान हो गया हमारा कोड, और जो लोगो वाला आईडी हमने बना रखा था, लोगो वाला आईडी हमने ये बना रखा था, ये आ गया लोगो वाला आईडी, इसको कट किया यहाँ से, और ताकि एक साथ सीक्वेंस में रहे कि भाई लोगो वाला मसला यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ऐसा आ गया, अब इसको थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट में करना है, या तो हम इतना बड़ा कर दें कि इसके साथ जुड़ जाए, तो ये 80 है तो मैं इसको 90 करके देखता हूँ, देखें ये एडजस्ट हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये तो बड़ा हो रहा है, लेकिन वो गैप खत्म नहीं हो रहा जो इसके बीच का है, तो इसको हम 80 ही करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, साइज में सही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं थोड़ा सा नीचे वाला नजर आ रहा है, तो इसको जो हाइट है वो इसको अलग से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हाइट इसकी कितनी है, इसकी 80 है, तो इसको हमने किया सपोज टू बी 80 से जाके 120 पिक्सल पे रखा इसको हाइट पे, रिफ्रेश किया बहुत ज्यादा हो गई लेकिन कवर हो गई, तो अब क्या करेंगे इसको कम करेंगे, तो हमने इसको किया 110 पिक्सल के ऊपर, देखें कैसा नजर आ रहा है, अभी भी ज्यादा नजर आ रहा है, फिर इसको हम लाए 90 पिक्सल के ऊपर, कैसा नजर आ रहा है, अब ये कि हाइट तो नीचे छू रही है लेकिन जो उसकी थोड़ी और हाइट कम करने की जरूरत है, इसको हमने 80 पिक्सल पे लिया, कैसा नजर आ रहा है, और कम करने की जरूरत है, 70 पिक्सल पे लिया, कैसा नजर आ रहा है, और थोड़ा कम करने की जरूरत है, 60 पिक्सल पे लिया हमने, कैसा नजर आ रहा है, थोड़ा सा और कम करते हैं, 50 पिक्सल पे लिया, कैसा नजर आ रहा है, ठीक है, सही लग रहा है, तो ये देखें आपका ब्रांड लोगो भी इधर आ गया और ये आपका जो है नेविगेशन भी बन गया, तो इस तरह वेबसाइट्स के ऊपर आप देखते हैं कि ब्रांड लोगोस भी लगे हुए होते हैं और इस तरह से नजर आते हैं, बाकी चीजें और भी हैं, जैसे हम इसको गोल करके दिखाना चाहते हैं तो वो मैंने आपको सिखाई थी, बॉर्डर डैश रेडियस वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो ये गोल होकर नजर आएगा, लेकिन ये हमारा ब्रांड लोगो ऐसे ही अच्छा लग रहा है और ऐसे ही नजर आ रहा है, तो ये ऐसे भी बेहतर है, तो हमने इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर दिया, अगर हाइट विड्थ हटा देंगे इसकी
तो ये फिर कुछ इस तरह से अपनी एक्चुअल विड्थ के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, और हाइट वो पूरी की पूरी इसके साथ एडजस्ट हो गई। तो इस तरह करने पे आपका ब्रांड लोगो भी आप लगा सकते हैं और ये नेविगेशन भी आप इसकी यहाँ पर अच्छे से अपनी बना सकते हैं। सही, ये हमारा हो गया HTML का कोड, ये हमारा हो गया CSS का कोड, इसमें पूरा इसका CSS का कोड इसमें आ रहा है, ठीक है ना।